तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का लाइटिंग इफेक्ट वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपने वीडियो में कुछ इस तरीके का लाइटिंग इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरीके का वीडियो क्रिएट करने सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बनाना है तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो यार साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम 2K के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो प्लीज यार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सवाल, क्वेश्चन या फिर आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज के रिप्लाई जरूर करूंगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, जो कि गाइस मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन किया। तो अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप विजिट करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको 9:16 वाला रेशियो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका गैलरी इस तरीके से आपका ओपन होके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जिस वीडियो में आप अपने लाइटिंग इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपने वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, तो आपको भी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपका इस तरीके से स्क्रीन पर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं गाइस मेरा वीडियो आ चुका है, तो आपको भी अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और आपको नीचे ऑप्शन मिलता है एडजस्टमेंट का ऑप्शन। तो गाइस आप यहाँ से अपने वीडियो के आप कलर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसा भी एडजस्टमेंट करना है तो आप कर लीजिएगा। आपको गाइस यहाँ ढेर सारा आपको ऑप्शन मिलता है, कॉन्ट्रास्ट का, सैचुरेशन का, तो आपको गाइस इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा अपने वीडियो के हिसाब से। फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है, तो आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है, और आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो कि गाइस लाइटिंग इफेक्ट वाला वीडियो है, तो आप जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस सबसे पहले अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा स्क्रीन पर इस तरीके से आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन में क्लिक करके अपने वीडियो को आपको फुल स्क्रीन में एडजस्टमेंट कर लेना है, और इसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस आपको नीचे आना होगा, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। सो गाइस आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो पर इस तरीके से लाइटिंग इफेक्ट ऐड हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने लाइटिंग इफेक्ट को एडजस्टमेंट कर लेना अपने हिसाब से ऐड करके, तो आप इतना आपको कर लेना है। इसके बाद देख लीजिए गाइस हमारा लाइटिंग इफेक्ट ज़्यादा लंबा हो चुका है, एंड गाइस हमारा वीडियो इतना ही लंबा है। तो सबसे पहले इसको मैं गाइस इसके जो पीछे का फालतू पार्ट है मैं कट कर लेता हूं। तो कट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस लाइटिंग इफेक्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे कर देना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड। तो गाइस इसका जो पीछे का फालतू पार्ट है वो कट के हट जाएगा। तो फाइनली हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी क्वालिटी पर अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अपने यहाँ पर क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।